नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड में दरअसल भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, और तबाही ऐसी कि बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार तबाही का मंजर सामने आ रहा है उत्तराखंड से। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से तबाही हुई है उत्तराखंड में। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी उत्तराखंड में भारी बारिश के हाल बेहाल कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बचाव और राहत कार्य में तेजी लाने के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी अभी भी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन ये तबाही का मंजर बादल फटने के बाद, उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है, ऐसे में बादल फटने के बाद इस तरह की तबाही के मंजर सामने आती है। प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन इस तरह की आपदा के बाद भारी नुकसान जो लोगों को होता है, कई के घर उजड़ गए हैं, पूरा का पूरा गाँव उजड़ गया है। ऐसी भारी बारिश के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल बादल फटने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है। मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठ करके बैठने काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, इससे पहले उन्होंने संबोधन किया। उन्होंने कोरोना काल को लेकर भी कहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन होगा, साथ ही ये भी कहा है कि सभी नेता राजनेता अपने अपने सवाल वहां पे रख सकते हैं संसद के मानसून सत्र के दौरान, क्योंकि संसद में जब मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियों से भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अपने सवाल वहां रख सकते हैं अपनी तरफ से। आपको बता दें कि आज मानसून सत्र के दौरान 30 बिल को पेश किया जाएगा। इस पूरे संसद सत्र के दौरान मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं संसद भवन की ओर। उनका संबोधन आज आपने सुना, सभी से उन्होंने कहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। हालांकि पूरी शर्तें और गाइडलाइंस पहले ही सामने रख दी गई थी सभी तमाम नेताओं के सामने कि इन्हें इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, तमाम मुद्दे सामने रखे जाएंगे संसद में, कोरोना को लेकर के भी बातचीत होगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि सभी नेता अपने सवाल रख सकते हैं। ऐसे बीच आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में बादल फटने के बाद जिस तरीके से तबाही का मंजर सामने आ रहा है, उत्तराखंड में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। यह आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश से हाल बेहाल हो चला है। दरअसल 3 लोगों की मौत हो गई है भारी बारिश के बाद बादल फटने से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बचाव और राहत कार्य में तेजी लाने के आदेश भी दिए हैं। दरअसल उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये तबाही मचने की तस्वीरें सामने आई हैं। 3 लोगों की मौत हो गई बादल फटने के बाद। वहीं ये पूरी घटना सुन करके लोगों की नींद भी उड़ गई है, क्योंकि बादल फटा है, 3 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने राहत बचाव के कार्य के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें आने से बेहद नुकसान हुआ है लोगों को, क्योंकि 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, पूरा का पूरा गाँव उजड़ गया है, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं।
नदियों में उफान देखा जा रहा है। उत्तराखंड में इस वक्त तबाही की मंजर सामने आ रही है। सड़कों पर इस वक्त मौत देखी जा रही है। 3 लोगों की मौत हो गई है। बादल फटने से बेहद ही नुकसान हुआ है। लोगों का भी घर उजड़ गए हैं। गांव के गांव पूरी बदहाल हो गए हैं। इस वक्त उत्तराखंड की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में बादल फटने से बहुत अधिक नुकसान हुआ है लोगों को। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। कई लोग सुरक्षित भी हैं, कई लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि बादल फटने के बाद लगातार पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे में पहाड़ों के गिरने की भी खबरें सामने आई थी, इसमें लोगों के दबने की भी खबर सामने आई। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, रेस्क्यू करके कुछ लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। कईयों के घर उजड़ गए हैं। यह आपको बता दें कि कई लोगों की जान भी बचा ली गई है, लेकिन उत्तराखंड में इस तरीके की तस्वीरें सामने आना बेहद नुकसानदायक है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग सीधे हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। धनराज, उत्तराखंड में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई, क्या जानकारी आपके पास? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? सोनिका, बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी की थी और जिसके बाद उनकी चेतावनी एक बार फिर सही साबित हुई है, तो जिसके बाद उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी है उसमें बादल फटने की सूचना सामने आई है और 3 लोगों की वहां पर मौत भी हो चुकी है, जिसमें एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है। हालांकि जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि राहत कार्य में तेजी लाई जाए और तमाम जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाए। और वही आपको बताते चले कि जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश का मंजर एक देखने में आ रहा है कि तबाही का मंजर लगातार जारी है और अभी भी बारिश रुक रुक कर हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जनता के लिए बना हुआ है। काफी परेशानी जनता को उठानी पड़ रही है कि जिस तरीके से बादल फटने के बाद लोग भयभीत हैं और तमाम लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये मलबा उनके घरों तक ना पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं उससे लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। जी, क्या धनराज घायल होने की भी आशंका है? क्या कुछ लोग घायल हैं? क्या ऐसे भी कोई जानकारी है क्या? जी सोनिका, बिल्कुल, जिस तरीके से बादल फटा है और मलबा जो है वो दो लोगों के घरों में पहुंचा है और लोगों के घर तक तबाही हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ लोग घायल भी हैं जिनको रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है, सुरक्षित उनको अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री जो पुष्कर धामी है उन्होंने साफ तौर पर डॉक्टरों को भी निर्देश दिए हैं कि जो भी घायल है उनको तुरंत इलाज दिया जाए और अच्छा इलाज दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री अपनी नजर बनाए हुए हैं और माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री उधर दौरे पे भी जा सकते हैं। जी सोन, धनराज, मुख्यमंत्री ने नजर तो बनाई रखी है, आदेश भी जारी करा है राहत बचाव कार्य के लिए, लेकिन क्या उनकी तरफ से उन परिजनों को कोई सहायता मुहैया कराई जा रही है जिन लोगों की मौत हुई है? जिस सोनी का, बिल्कुल, अभी तक ऐसी कोई सूचना सामने नहीं आई है, ना ही अभी तक कोई ऐसी घोषणा की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री उस पर नजर बनाए हुए हैं, तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जिन लोगों की मौत हुई है उनको जरूर मुआवजे की बात जरूर की जाएगी। हालांकि जो वहां के मंत्री हैं या विधायक हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं और तमाम तरह की जानकारी वहां से जुटा रहे हैं और तमाम मुख्यमंत्री को वो सलाह भी कर रहे हैं कि किस तरह का मुआवजा उन लोगों को दिया जाए और साथ ही जो घायल हैं उनको भी मुआवजा देने की बात लगातार चल रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो आखिर उन लोगों को किस तरीके से सांत्वना देंगे और किस तरीके का मुआवजे की घोषणा कर सकते हैं। जी धनराज, ये जानकारी तो सामने आ रही है, 3 लोगों की मौत हो गई है, प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, लेकिन यह सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जब भी देखा जाता है भारी बारिश होती है, इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, तो क्या पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि जो ये आपदा आती है ये एक दैवीय आपदा है, इसका कोई पता नहीं होता कि कब आपदा कहां पर आ जाए। इसके लिए प्रशासन को अलर्ट लगातार किया जाता है मौसम विभाग की तरफ से और मौसम विभाग लगातार जो नजर अपनी बनाए रखता है और तमाम चेतावनी जारी करता है, उसको लेकर प्रशासन को अलर्ट भी किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रशासन की चूक होती है कि जिस तरीके से प्रशासन इस पर पहले से ही अपनी जो सफलता है उसको हासिल नहीं कर पाता है और तमाम तरह की घटनाएं वहां पर घट जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन को अलर्ट मोड पर जरूर रहना होगा और तमाम जो उपकरण है यानी कि जो रेस्क्यू के उपकरण है वहां पर मौजूद रखने पड़ेंगे, क्योंकि उत्तराखंड पहले से ही एक संवेदनशील एरिया माना जाता है बारिश के प्यास से कि किस तरीके से बारिश का मौसम होता है, तो कहीं ना कहीं भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है, बादल फटने की घटनाएं सामने आती रहती है, तो इसके लिए प्रशासन को जरूर सोचना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके मौसम विभाग जारी करता है सभी विभाग अलर्ट पर जरूर रहते हैं, क्योंकि अब देखने वाली बात यही होती है कि क्या वो वहां पर सही सुविधाएं पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं। जी धनराज, जिन लोगों की मौत हुई है, जो लोग फंसे हुए हैं अभी, क्या उनकी तरफ से कोई परिजनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है क्या? जी सोनिका, बिल्कुल, यदि जिन लोगों की मौत हुई है इनके परिजनों की बात करें
ये कहना है कि देवी आपदा है, इसमें कोई नहीं होता कि प्रशासन इसमें क्या कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका यही मानना है कि प्रशासन को इसके लिए पहले से अलर्ट होना चाहिए और उनको पहले से अलर्ट कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की खामियां जरूर जो परिजन है वो बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जो देवी आपदा आती है उसके लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर तो रहता है, लेकिन उपकरण पूरे ना होने के कारण भी एक समस्या उनके सामने खड़ी होती है कि जिस तरीके से उनके पास उपकरण पूरे नहीं होते, पहाड़ी क्षेत्र होता है तो वहां पर पहुंचाना भी बड़ा भारी काम होता है कि किस तरीके से वो उपकरण वहां तक ले जाए, क्योंकि भारी भारी उपकरण होते हैं तो किस तरीके से वो उनको वहां तक पहुंचाए। जब रास्ते बंद हो जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र के कि जब बारिश आती है तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ होते हैं वो खिसकने की घटनाएं सामने आती हैं और तमाम रोड बंद हो जाते हैं, तो एक समस्या जरूर आपको प्रबंधन के सामने भी आती है कि आखिर वो वहां तक कैसे पहुंचे, लेकिन वो कोशिश करते हैं और पूरी अपनी जान उसमें लगा देते हैं और वहां तक पहुंचने का प्रयास पूरा लगातार करते हैं और उनको रेस्क्यू पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। धनराज, उत्तराखंड में कुदरत का कहर तो बरफ रहा है, लेकिन इस वक्त घटनास्थल पर क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त क्या हालात है वहां पर? और जिस तरीके से वहाँ की बादल फटने की घटनाएं देखे तो जिस तरीके का मंजर वहाँ पर आया है, जिस तरीके की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि जिस तरीके से तस्वीरें वहाँ पर हैं कि मलबा घरों में घुस गया है, काफी घर तबाह हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक मंजर डरावना मंजर जरूर सामने है कि जिस तरीके से एक डरावना मंजर सब लोगों के सामने है, उससे लोग भयभीत भी है कि जो लोग वहाँ पर बचे हैं उनको भी कहीं ना कहीं भय है कि कहीं दोबारे से इस तरह का मंजर ना आ जाए और उनके सामने एक परेशानी खड़ी हो जाए। उसके लिए प्रशासन वहां से अभी भी अलर्ट मोड पर है और प्रशासन वहां पर अपना कार्य कर रहा है, रेस्क्यू कार्य वहां पर लगातार चल रहा है। तमाम जो रेस्क्यू कार्य की टीमें हैं, एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो या फिर आपदा प्रबंधन की टीमों, लगातार वहां पर मौजूद हैं, अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, सभी वहां पर देख रेख कर रहे हैं और तमाम जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जो इस तरह की समस्याएं सामने ना आए इसके लिए आपदा प्रबंधन को भी थोड़ा अलर्ट मोड पर होना पड़ेगा और तमाम जो उपकरण है वो वहां पर मुहैया कराने होंगे। जी धनराज, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि मौसम कब तक ऐसा रहेगा या आने वाले समय में क्या मौसम बदलेगा कि नहीं? बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके से मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो कहीं ना कहीं अभी भी जारी है और अलर्ट मोड पर सभी प्रशासन को किया गया है। साथ तौर पर मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले 2-3 दिन में इससे भी खतरनाक मंजर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से अलर्ट मोड येलो अलर्ट जारी यहाँ पर, यदि मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग लगातार जता रहा है। आने वाले 2-3 दिन तक लगातार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और वहीं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मौसम अब मानसून तेजी पकड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। भूस्खलन की घटनाएं सामने आ सकती हैं, बिजली आकाश से बिजली गिरने की घटनाएं सामने आ सकती हैं, तमाम जो नदियां हैं वो उफान पे हो सकती हैं, कहीं ना कहीं जो नदियों के आसपास बसे लोग हैं उनको भी एक अलर्ट मोड पर रहना होगा और तमाम जिस तरह की जो अलर्ट वो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी कि आखिर किस तरीके से पूरा उत्तराखंड में चल रहा था, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ेगी पाबंदियां। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए एक हफ्ते के लिए पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है, नया आदेश जारी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, कर्फ्यू की नई गाइडलाइंस भी जारी होंगी, नई गाइडलाइंस भी जारी होंगी कर्फ्यू को लेकर कोरोना का, क्योंकि लगातार संक्रमण में गिरावट तो आ गई है लेकिन रफ्तार अभी थमी नहीं है। अब इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार नई गाइडलाइंस जारी करेगी, उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ेंगी पाबंदियां, पाबंदियों को आगे एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है क्योंकि कोरोना के हालात में अगर बात करते हैं तो संक्रमण दर तो घटने लगी है लेकिन कोरोना की रफ्तार थमी नहीं है, आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं, मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, पाबंदियों को एक हफ्ते और बढ़ाने जा रही है क्योंकि कोरोना के मामले भी अभी भी लगातार आ रहे हैं। कर्फ्यू की नई गाइडलाइंस जारी होंगी, अब कर्फ्यू को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी होंगी जिसका पालन करना होगा, एक अनिवार्य शर्त रखी जाएगी कि पालन आपको करना होगा गाइडलाइंस का, क्योंकि अगर देखा जाता है कि जब भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके बाद लोगों को लापरवाही बरतते देखा गया, लोगों ने मास्क हटा दिए चेहरे से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए, लेकिन अब पाबंदियां एक हफ्ते और बढ़ने वाली है, सख्त पाबंदियां लागू की जाएंगी ताकि लोग लापरवाही ना बरते क्योंकि कोरोना की रफ्तार थमी नहीं है, नए नए रूप सामने आ रहे हैं, संक्रमण दर हालांकि कम हो रही है लेकिन अभी कोरोना देश से गया नहीं है। उत्तराखंड की सरकार लगातार अलर्ट मोड में है, नया आदेश जारी किया जाएगा, कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी होंगी नई जिसका पालन करना होगा, एक अनिवार्य शर्त रखी जाएगी।
हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, क्या जानकारी आपके पास? एक हफ्ते और पाबंदियां बढ़ने वाली हैं, किस तरह की पाबंदियां रहेंगी अब? जरूर कम हुई है और आज दूसरी लहर के सबसे कम केसेस देखने को मिले हैं। लगभग 19 लोगों में जो संक्रमण नए संक्रमण मरीज मिले हैं वो 19 हैं, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल राज्य सरकार कहीं भी कोई ढील या छूट देने के फिलहाल मूड में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू होते ही राज्य में पर्यटकों का हजारों की संख्या में लगातार जो भीड़ है वो एकत्रित हो रही है, जिसको देखते हुए सरकार अभी जो पाबंदियां हैं नई एसओपी आज से जारी होगी और लगभग 27 जुलाई तक के लिए अब नई सरकार नई गाइडलाइन जारी करने जा रही है, जिसके बाद जो तमाम जो पहले की जैसे छूट थी वो जो कि क्यों रखी जाएगी, सामाजिक जो समारोह है उनमें ज्यादा से जो कम लोग हैं उनको सम्मिलित होने की फिलहाल जो इजाजत है वो सरकार के द्वारा दी गई है। इसके अलावा सभी बॉर्डर पर फिलहाल आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की जो अनिवार्यता है वो बनाई हुई है। मैदानी जिलों से जो लोग पहाड़ पे जा रहे हैं उनके लिए भी आरटीपीसीआर की अनिवार्यता सरकार के द्वारा रखी गई है और फिलहाल जिस तरीके से पर्यटकों को रोकने के लिए भी, क्योंकि बाहर से जिस तरीके से राज्य में लगातार लोगों की जो संख्या है वो भारी मात्रा में पहुंच रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने अभी कोई छूट फिलहाल देने का निर्णय नहीं लिया है और अगले एक हफ्ते तक लगभग 27 जुलाई तक के लिए नई गाइडलाइन आज जारी हो सकती है, जिसमें कोई भी छूट सरकार के द्वारा नहीं दी जाएगी। सिनेमा हॉल, थिएटर या फिर जितने भी एंटरटेनमेंट पार्क हैं इन सभी को फिलहाल बंद रखा जाएगा। कोचिंग संस्थान, इन सभी चीजों को 50% की क्षमता के साथ खोलने के आदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो सरकार के द्वारा फिलहाल सख्त रुख अपनाते हुए की गई है और 27 जुलाई तक के लिए नई गाइडलाइन आज से जारी हुई। विशाखा, सरकार तो एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन अगर बात करते हैं जमीनी स्तर पर तो क्या आप देखती हैं कि लोग सतर्क नजर आते हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फिलहाल जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लोगों में तीसरी लहर को की आशंका को देखते हुए तमाम चीजें WHO ने चेतावनी जारी करी है कि 125 दिन बहुत अहम हो सकते हैं, बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, जिसके बावजूद लोगों में जो डर है कहीं ना कहीं वो कम है। फिलहाल मास्क की जो अनिवार्यता है वो भी कम देखने को मिलती है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहें या फिर अन्य जो बातें हैं, कहीं ना कहीं लोगों की जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है और उसी का नतीजा है कि सरकार कोई ढील नहीं दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की लापरवाही सामने आ रही है उसको देखते हुए अगर सरकार ने कोई ढील दी या फिर पूरी तरीके से कोई चीज पर जो सारी पाबंदियां है वो हटा दी गई तो जाहिर तौर पर लोगों की जो लापरवाही अभी कम मात्रा में सामने आ रही है वो बहुत अधिक लेवल पर सामने आ सकती है और राज्य में दूसरी लहर को लेकर जिस तरीके से जो भयावह स्थिति देखने को मिली थी वो देखने को दोबारा मिल सकती है। विशाखा, अगर वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उत्तराखंड में किस तरीके से चल रही है और कहाँ तक पहुंची है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की जब आप बात करते हैं तो फिलहाल 45 प्लस वालों का वैक्सीनेशन फिर भी उस स्पीड से हो पा रहा है और कल ही राज्य को 18,000 जो डोज है वो मिली है, लेकिन वो 45 प्लस वाले लोगों के लिए है। 18 प्लस वालों का जो वैक्सीनेशन है उसकी रफ्तार बहुत धीमी है, कई जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है और जो युवा वर्ग है फिलहाल उसको खासा इंतजार करना पड़ रहा है, मशक्कत करनी पड़ रही है वैक्सीनेशन करवाने के लिए। जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी है उनकी सेकेंड डोज के लिए उनको इंतजार करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन का कार्य जिस स्पीड से होना चाहिए था उस स्पीड से नहीं हो पा रहा है। ये जो सारी चीजें हैं वो फिलहाल कोरोना को लेकर राज्य में देखने को मिलती है। जी ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने देखी कोरोना के हालात क्या है उत्तराखंड में, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड से आपको कोरोना का अपडेट दिया कि किस तरीके के हालात है और सरकार भी एक्शन मोड में है लगातार। अगली खबर की बात करते हैं, आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव होने उत्तराखंड में, ऐसे में आप युवा मोर्चा ने 2022 चुनाव के लिए संकल्प ले लिया है। पहली कार्यकारिणी में ही रणनीति बनाई गई है, आप मोर्चा युवा की तरफ से संकल्प लिया गया, रणनीति बनाई जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, ये उत्तराखंड जानकारी आपको दे रहे हैं। 2022 चुनाव के लिए संकल्प ले लिया है, उत्तराखंड नवनिर्माण का सपना पूरा किया जाएगा, ये आप युवा मोर्चा की तरफ से कहा गया है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में समय बहुत कम बचा है, ऐसे में सभी पार्टियां लगातार जुट गई हैं। अब आप युवा मोर्चा की तरफ से भी संकल्प ले लिया गया है, पहली कार्यकारिणी में रणनीति भी बना ली गई है कि आखिर किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे वोटर्स को साधने की पूरी कोशिशें की जाएंगी। तमाम कोशिशों को देखते हुए रणनीति बनाई जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव में, समय क्योंकि बहुत कम बचा है, ऐसे में लगातार सभी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। अब आप युवा मोर्चा ने भी संकल्प ले लिया है 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, पहली कार्यकारिणी ही बनाई गई, बैठक हुई है कार्यकारिणी में, रणनीति बनाई गई आखिर किस तरीके से
वोटर्स को साधा जाए और किस तरीके से आगामी चुनाव आने हैं, सत्ता हासिल की जाए, इसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। आपकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी सरकार को जवाब मिलेगा, आपका 2022 चुनाव के लिए संकल्प लिया है और संकल्प लेते ही आप युवा मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी सरकार को जवाब मिलेगा। अब हालांकि देखने वाली बात होगी आगामी विधानसभा चुनाव के बाद कि जनता किसे दोबारा चुनती है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। अब आप युवा मोर्चा ने भी अपना मोर्चा खोल लिया है और रणनीति बना रही है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। उत्तराखंड नवनिर्माण का सपना पूरा किया जाएगा, ये आप युवा मोर्चा की तरफ से कहा गया है। दरअसल आप युवा मोर्चा कह रही है कि उत्तराखंड को नवनिर्माण का सपना पूरा करेंगी, उत्तराखंड को एक नए तरीके से सामने लेकर के आएगी। हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, अब आप युवा मोर्चा ने भी संकल्प ले लिया है 2022 के चुनाव के लिए, किस तरीके से आप रणनीति देख रहे हैं इनकी? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के लगातार जो आम आदमी पार्टी है उत्तराखंड में सक्रिय हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी महीने अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में आए थे और उत्तराखंड में आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से घोषणा करी शिक्षा को लेकर के और बिजली को लेकर के उन्होंने फ्लैट 300 यूनिट हर घर के लिए फ्री बिजली का ऐलान किया था। इसको लेकर के आपको बता दूं कि जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी जो उत्तराखंड में भाजपा की यहाँ पर सरकार है, उसको लेकर के जिस तरीके से भाजपा ने युवा मोर्चा के साथ साथ अलग अलग वर्ग में अपना मोर्चे बनाया, किसान मोर्चा हो गया, महिला मोर्चा हो गया, इसको देखते हुए जो आम आदमी पार्टी है वो उत्तराखंड में अब अपने अलग अलग मोर्चों को तैयार कर रही है। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से युवा मोर्चा और युवाओं को लुभाने के साथ साथ युवाओं को रोजगार का सपना देने का काम जो उत्तराखंड में किया, उन्होंने युवाओं को सपना दिखाया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बताया कि जो युवाओं के साथ उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से छलावा किया है, वो आम आदमी पार्टी की अगर सरकार उत्तराखंड में बनती है तो आम आदमी पार्टी उसको ठीक करेगी और युवाओं को रोजगार देगी, जिससे जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी का इस वक्त उत्तराखंड के अंदर जो युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य है वो शुरू हो चुका है। साथ ही साथ प्रत्येक घर में जिस तरीके से 1,00,000 कार्यकर्ताओं को भेजने का काम आम आदमी पार्टी 1 अगस्त से शुरू करने जा रही है, तो इसको देख के कहीं ना कहीं लगता है कि जो भाजपा है, भाजपा के लिए आने वाले जो विधानसभा चुनाव 2022 के हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा अगर चुनावी टक्कर की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी इस समय भाजपा को उत्तराखंड के अंदर टक्कर देगी। बिल्कुल संचित, यानी आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो बूथ लेवल पर काम करने के लिए उतर रही है, ऐसे में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। संचित, जिस तरीके से भाजपा ने एक नारा दिया कि बूथ जीता चुनाव जीता, उसको लेकर के अगर आम आदमी पार्टी की देखे तो आम आदमी पार्टी लगातार जो बूथ लेवल से लेकर के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम लगातार पिछले 1 साल से उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी कर रही थी। आम आदमी पार्टी के बाद जिस तरीके से कोरोना उत्तराखंड के आता है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी, लोगों की मदद करी, लोगों को राशन मुहैया कराया, अलग अलग कार्यकर्ता जोड़े, अलग अलग बैठकें की, उसको लेके अब जिस तरीके से कोविड कर्फ्यू में जो ढील दी गई है, उसके बाद 2022 के आने वाले चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी दोबारा से उत्तराखंड के अंदर सक्रिय हो चुके और घर घर जाकर के जो बिजली कार्ड, एक बिजली गारंटी कार्ड जिसकी घोषणा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने करी कि उत्तराखंड के प्रत्येक घर में आम आदमी पार्टी बिजली यूनिट कार्ड, गारंटी कार्ड एक एक घर में जाकर के देगी और गारंटी देगी कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आती है तो 300 यूनिट बिजली प्रत्येक घर को मुफ्त देंगी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में आके आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है केजरीवाल कहते हैं कि जिस तरीके से जो दिल्ली का मॉडल वो उत्तराखंड में भी लाएंगे, शिक्षा को लेकर के जो व्यवस्था उत्तराखंड के अंदर खराब हो गई है उसको सुधारेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरीके से उत्तराखंड कहीं ना कहीं पीछे रह गए उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग में काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आम आदमी और जो सामान्य लोगों, जो सामान्य वर्ग से जुड़ी जो समस्या है उसको कहीं ना कहीं केजरीवाल ने उत्तराखंड में आकर के टारगेट किया। ठीक है संजय, तमाम जानकारी आपने देखा किस तरीके से आप आदमी पार्टी भी उतर गई है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर उतर गई है, आम आदमी पार्टी भी उतर गई है। हालांकि 2022 के चुनाव के बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिर कौन दोबारा सत्ता बनाता है उत्तराखंड में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।